बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बोला हमला। उन्होंने कहा, आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए आदिवासियों को भी नहीं छोड़ा, इसलिए कल से निकाल रहे हैं संकल्प यात्रा। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का। उन्होंने प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने हेमंत सोरेन और उनके परिवार के द्वारा फर्जी तरीके से आदिवासियों की जमीन अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन हस्तांतरण करने का आरोप लगाया। अब ये तो क्या कहते हैं, 2002 में ही करना, मैंने आज के लिए नहीं है। जिसको कहते हैं ना पेशेवर फ्रॉड, लुटेरा जिसको कह सकते हैं, वो लगता है पैदाइश ही ये लोग इस प्रकार से गड़बड़ है। ये लोग भाई, आप इन्होंने जमीन लिया है, बाकी का नाम तो छोड़ दीजिए, वो सब आप लोगों को मिल जाएगा। क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप में दे देंगे। हेमंत सोरेन का नाम तो आप सब लोग सुने हो, लेकिन सर हेमंत कुमार सोरेन का नाम नहीं सुने हो। इसमें लिखा हुआ हेमंत कुमार सोरेन, मैंने कुमार लगा दिया बीच में। शिवू सोरेन का भी नाम आप सब लोगों ने सुना है, लेकिन इसमें शिव सोरेन कर दिया है। मैंने क्या भाई, आप बताओ, जब नेता है, अब नेता ही अगर फ्रॉडिज्म कर रहा है जमीन लूटने के लिए, वो भी ट्राइबल की जमीन लूट रहा है, मुंडा लोगों की जमीन कर रहा है, बताओ भाई। दूसरा है दुर्गा सोरेन, आप तो नहीं है, स्वर्गीय हो गए। दुर्गा सोरेन का नाम सब जानते हैं, लेकिन उसने भी दिया है दुर्गा प्रसाद सोरेन, पिता शिव सोरेन, बताओ भाई। फिर बसंत सोरेन के भी नाम आप सब लोग सुने हैं, विधायक है, लेकिन बसंत कुमार सोरेन, पिता शिव कुमार शिव सोरेन, बताओ भाई क्या है ये। ऐसे आदमी राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो राज्य प्रगति कैसे करेगा, राज्य से अपराध कैसे रुकेगा, और इनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अपराध को ये लगाम लगाएंगे, भूमि लूट को ये रोक पाएंगे। और किसका लिया है जमीन, ये दारू मुंडा है, कोई मुंडा जाति के लोग हैं, ये आप बताइए। मैंने इस प्रकार की एक दो नहीं, एकदम सैकड़ों ऐसे जानकारी है जो इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके दिया है, और उसके अधिक भी कई संपत्ति है जिसका हिसाब तो दिया भी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए आज खास दिन है, क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। झारखंड के साथ उनका जुड़ाव कितना था हम सभी जानते हैं। झारखंड राज्य को बनाने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को ही जाता है। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।